मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट रॉड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, नहीं ऐसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रॉड्स बहुत आती हैं, रॉड घूमने के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में बहुत आते हैं, इनके फॉर्मूलाज बड़े काम के हैं। आप ये ना सोचना कि ये आपसे कोई पूछने वाला है बहुत ज़्यादा, ये नहीं पूछने वाला, आपसे इसको अप्लाई करना पूछेगा, इसको घुमा घुमा के पूछेगा कि आई की वैल्यू नई फिगर्स की निकालो। तो एक थिन रॉड है, जब हम बोलते हैं थिन रॉड तो मास इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड, याद रखना। तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, लेंथ वाइज होती है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। दूसरी चीज, ये इसका एक्सिस है, तो रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मेरे को इसका टोटल आई निकालना है। अब रॉड किसकी बनी हुई है, अब रॉड तो छोटे छोटे पॉइंट्स की बनी हुई है, क्योंकि मास तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया वाइज वॉल्यूम वाइज तो है नहीं। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, जिसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना था x, और इसका छोटा सा मास कितना था dm, और ये l बाई टू, l बाई टू टोटल रॉड की लेंथ है l। तो अगर ये एक्सिस है और ये पॉइंट मास है dm, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना आता है। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो क्या होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्या इस पॉइंट क्लियर है, पॉइंट मास का dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू निकलेगी कैसे, ये स्मॉल मास कैसे निकलेगा, क्योंकि रॉड का मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर रॉड की लेंथ l है तो मास m है, 1 है तो m बाई एल है, और अगर dx है तो m बाई एल इंटू डी एक्स है, तो स्मॉल मास dm आ गया। तो dm की वैल्यू क्या आ गई, m बाई एल इंटू डी एक्स, कोई डाउट इसमें। इस स्मॉल मास को यहाँ पे पुट कर दिया ये ना, और एक्स स्क्वायर आगे आ गया, इसे इंटीग्रेट करें। अब लिमिट्स बड़े ध्यान से देखना कैसी लगी, लिमिट्स में मैंने क्या किया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट का आ गया, ये मेरा एक्सिस है, मैंने ये मान लिया कि ये ओरिजिन है 0.0, ठीक है ओरिजिन है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे, करते 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 यहाँ पे होगा। तो जब पहला एलिमेंट यहाँ पे होगा तो एक्स की लिमिट क्या होगी, जीरो, और जब यहाँ पे होगा तो एक्स की लिमिट क्या होगी, एल बाई टू। तो जब मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा था तो मैंने जीरो से एल बाई टू लगाई, पर किसी ने ये कहा सर जीरो से एल बाई टू लगाने पे आधी रॉड का मोमेंट इनर्शिया आएगा, पूरी का नहीं आएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आधी का आ गया ना तो रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई कर दे। तूने राइट हैंड साइड रॉड का तो निकाल लिया जीरो से एल बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम होगा, कोई टेंशन नहीं, सिमेट्री है, टू से मल्टीप्लाई कर दे, इसको इंटीग्रेट कर, लिमिट पुट कर, आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट कहता कि सर ऐसे क्यों नहीं किया, जीरो से एल क्यों नहीं किया, मन में तो ये आता है कि जीरो से एल पुट कर दो। चलो अगर मैं जीरो से एल, बिल्कुल सही, अगर मैं जीरो से एल करता हूं तो देखो क्या गड़बड़ हो जाती है, जीरो से एल करने में, जीरो से एल करने में मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरा एक्सिस है और ये एक्स इक्वल टू जीरो का पॉइंट है और एल का पॉइंट है। अगर मैंने जीरो से एल पुट कर दिया तो मेरा एक्सिस सेंटर से पास नहीं करेगा, कोने से पास करेगा, तभी तो लिमिट आएगी ना, पहला लिमिट फिर यहां पे आएगा, करते 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 यहां पे आएगा। तो इसका मतलब जीरो से लेके एल तक करने का मतलब एक्सिस को कॉर्नर पे लेना, जबकि एक्सिस कॉर्नर पे नहीं है, राइट। तो इसलिए जीरो से एल नहीं करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप टू से मल्टीप्लाई ना करो, एक और मेथड है, तुम एक काम कर लो, तुम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ये लो तुम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, तो ये कोऑर्डिनेट एक्स का हो जाएगा माइनस एल बाई टू और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस एल बाई टू। हाँ अगर ये की लिमिट लगानी है, अब लगाओ माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, आंसर सेम आएगा। जीरो से एल मत लगाना, क्या लगाना, या तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, या फिर छोड़ो तुम आधी रॉड का ही निकाल दो जीरो से एल बाई टू और रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। पर मेरा काम है दोनों चीजें बताना कि आप किस तरीके से लिमिट पुट करके आंसर दोनों में सेम कर सकते हो। आई होप इंटीग्रेशन आपको आती है, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन में लिमिट तो पुट कर ही लोगे, तो लिमिट पुट करने के बाद आंसर सेम ही आएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला बोलो क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 12। पॉइंट मास का मोमेंट इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर। रिंग का क्या है, एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। रॉड का क्या है, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। क्या ये पॉइंट क्लियर है।